इस्लामाबाद में कल रात से बारिश शुरू हो चुका है और वक्त पे से बारिश है जो कि अभी तक जारी है। अभी भी इस वक्त भी बारिश है, लेकिन मैं बिल्लियों के लिए खाना लेके आई हूँ और साथ में मैंने कुछ काम भी करने हैं, लेकिन मैं सारे काम वॉक करते करते करूँगी और आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। ये बिल्लियों को मैंने खाना डाल दिया, वो खाना खाने लग गई। इस वक्त तीन ही हैं, ये देखो तीन ही है, लेकिन अभी बारिश है ना तो हो सकते कुछ देर तक सारे आ जाए। इसके बाद अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं बारिश को एंजॉय करूंगी और साथ साथ में अपने काम भी निपटाऊंगी। अब इसके तीन फायदे हो जाएंगे, तीन फायदे मेरे पैदल चलने से, तीन फायदे ये हो जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा, वॉक मुझे मिल जाएगी और मेरी सेहत अच्छा हो जाएगा। नंबर दो फ़ायदा, मैं बारिश को अच्छे से एंजॉय कर लूँगी। और नंबर तीन फ़ायदा, मुझे गाड़ी के पेट्रोल का बचत हो जाएगा। तो मैं साथ साथ सारे काम भी करूँगी, काम मेरे चार पांच हैं, और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। इलाका बिल्कुल खाली है और इसके दो वजह हो सकते हैं। इस वक्त दो बज रहे हैं दोपहर के, तो एक तो लोग अपने कामों में हैं क्योंकि लोग ड्यूटियों पर गए हुए हैं ना, कुछ तो ड्यूटी टाइम है, और कुछ दोपहर भी है। ये अलग सी बात है कि मौसम अच्छा है, वरना है तो दोपहर ही है। ये मैंने बरसाती पहनी है, काफ़ी अच्छी खासी मेली हो चुका है, लेकिन मैं कहा चलो ये मौसम ज़रा अच्छा हो जाए ना तो उसके बाद फिर धो लूँगी। ये देखो लोग कितने मज़े से गन फेंकते हैं, फिर ये बारिश होती है ना फिर सारा पानी फंस जाता है और निकलता नहीं है। गंदे लोग गंदे काम। हालांकि सोसाइटी में वो जो गंद उठाने वाला ट्राला होता है ना वो फिरता रहता है, वो गंद उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने कसम कही है कि हमने साफ नहीं रहना। ये देखो ये डबल रोड है हमारी सोसाइटी का। अब मैं रोड क्रॉस करके इस तरफ चली जा रही चौधरी इलेक्ट्रिक स्टोर, ये शाहिद का है शॉप। बाहर से दिखाती हूँ वापसी पर, फिर अंदर चले जाएंगे, लेकिन अभी बाहर से दिखाती हूँ। ये शाहिद का है सारा सामान। इस तरह की हेबर गाड़ी एक मेरे पास भी किसी टाइम में थी और बिल्कुल उसको मैं गधे की तरह दौड़ाती थी लेकिन ये है कि
कहाँ बिल्ली ने मुझे देखकर म्यों का आवाज दी। असल में मेरा वाला बैंक जो है ना, मेरा वाले से मुराद ये है कि जिसमें मेरा अकाउंट है, मेरा जाती नहीं। तो वो यहाँ से मतलब जो मीज़ान बैंक मैंने छोड़ा है ना, तो उससे आगे कोई 1.5-2 किलोमीटर तक है। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने वॉक भी हो जाएगी अच्छी सी। और वहाँ से फिर ये जो मीज़ान के बूथ आप यूज़ करते हो ना, या किसी और बैंक के, तो आपसे परसेंटेज काटते हैं। अब इसमें ये होता है कि इसमें परसेंटेज नहीं काटते, मतलब सारे के सारे जितने पड़े होते हैं वो मेरा ही होता है। जब मैंने इस तरह कैमरा पकड़ा होता है ना, तो मेरा भाई बड़ा डरता है। मुझे कहते कोई छीन के ले, मतलब मोबाइल कोई छीन के ले जाएगा। मैंने कहा इतना आसान काम तो नहीं है ना। अपने बैंक आ गई। अस्सलाम वालेकुम। है कोई? नहीं, अपन जा रहे दो। ओए अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। फिर कैश नहीं है मैं क्यों? ये मैं आप लोगों को नहीं ला रही, सिर्फ चाय हो रही है ऐना के मेरी। ये हाँ, ये मेरा, मैं बैंक आई थी और चूंकि अभी पैसे जमा नहीं थे उसमें बूथ में, तो मैं यहाँ पर चाय पीने लग गई। ये देखो ये मेरा चश्मा है, ये मैंने नया कल खरीदा। अभी ATM यूज कर रही हूँ। खेवा मैंने पिया बैंक में, और अभी जाऊंगी बाकी काम निपटाने के लिए। अब दूसरा काम मैं जाऊंगी फार्मेसी, वहां से मैंने अम्मी के लिए कुछ मेडिसिन लेने।
ये मैं अम्मी की दवाइयाँ ले रही हूँ सारी। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर हुए तो मैं आपको भेज दूँगा, बता दूँगा व्हाट्सएप। अभी सिर्फ 3 दिन के ले रही हूँ, बाकी 3 दिन बाद अम्मी का डॉक्टर के साथ चेकअप है, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर वो फिर चेंज करते तो हो सकते फिर चेंज कर ले। अभी कुछ दवाइयाँ तो घर पर मौजूद थी, बस ये 3 नहीं थी, ये भी बहन ने मुझे भेजा है, व्हाट्सएप किया। इतना सब कुछ महंगा हो गया, हद होती है महंगाई की। मैंने अम्मी के लिए सिर्फ 4 टेबलेट्स लिए, मतलब वैसे तो अम्मी की बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन बाकी घर पर मौजूद थी और सिर्फ 4 लिए, वो भी सिर्फ 3 दिन की, और 3 दिन के टेबलेट्स आई हैं 1800 रुपये के, 1800 रुपये की 3, सिर्फ 3 दिन की टेबलेट्स आई हैं, हद होती है यार। अच्छा, अगर ये सारी मैं लूँ ना, अगर ये जितनी अम्मी की दवाइयाँ लगती हैं, तो अगर ये मैं सारी टेबलेट 3 दिन की लेती ना, तो ये कोई 5-6 हज़ार रुपये आते हैं। अब बीमार लोग क्या करें, कॉमन सेंस की बात है। चलो मैं तो जैसे तैसे करके अफोर्ड कर लूँगी, लेकिन लोग क्या करेंगे जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है तो वो क्या करें, मतलब जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी बारिश रुक गई है, लेकिन हवा बड़ी मजे की चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से? वो शायद की शॉप है और मैंने अभी पंसार के उसमें जाना है शॉप में। एक पहले शायद कहिए, देखो ये सारा सामान शायद कपड़ा। अच्छा, मैंने उसे कहा तो छोले चाहिए, छोले लेकर आए, लेकिन मेरी पसंद वाली नहीं लाया। अस्सलाम वालेकुम, ये छोले तो मेरे पसंद के नहीं है, ये छोले क्या है, ये छोले कहते हैं जो स्टोव लेकर आए हो, छोले ₹3,800 रुपये मान जाएगा सलूर वाले जिता लेना फोटवान रहा लेगम सवारों का सामान दे रहा ले दे, ये शायद का सामान आया हुआ है। मैंने इसे कहा था कि वो लेकर जो 3 हो, क्योंकि हमारे घर वाले सारे ख़राब हो चुके हैं ना, और ये देखो ये लेकर आए, मुझे कहते 3,500 का। मैं कहा 3,500 में, ये तो मैं 2,000 में भी ना लूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे? आपको नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं वैसे अपनी वीडियो बनाऊंगी, आप माइंड ना करना, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस तरह के पहले रोड पे मैंने देखा था, मैं आ रहा था मैडम फारिग है, मैं टाइम नहीं। असल में पता क्या, एक तो ना दो बातें, एक तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया ना, बंदा गाड़ी चलाते हुए भी शर्माता है। अच्छा, मैं चीज़ें इस मोबाइल में लिखी है। अच्छा, जरक शिशरी क्या होती है? जरक शिशरी है आपके पास, काली सी होती है। अच्छा, पता है मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी ना,
तो इसको मिक्स करके ना पाउडर बनाने, ये अम्मी के लिए। अच्छा। किस तरह ये जरक शीशरी किस तरह लगा? ये 400 रुपए पाव है। 400 रुपए। आप इस तरह करो ना, ये आधा पो कर लो, 200 रुपए का, ठीक है। साथ में बादाम करने, ये सेम मतलब ये सारे एक जितने जितने ही करोगे, ठीक है। बादाम ये जो चने होते हैं, काले नहीं मतलब सही जो चने होते हैं, काले चने, ये मैंने बस गलती से लिख दिया, ठीक है। काले चने होते हैं छिलके वाले। अच्छा ठीक है, सही है। सौंफ है और ये किशमिश है। अच्छा उसने तो ये भी बताया है कि उसमें शक्कर मिलाने, लेकिन अम्मी को तो चूंकि शुगर है ना, तो इसलिए शक्कर नहीं मिला सकते। अच्छा। इसको हम वजन लेकर ना सारे को तो पाउडर बनाना है। पाउडर बाकी तो बन जाएगा, किशमिश रिक्स तो पता है वो। बस फिर किशमिश को निकाल दो, उसको हम अम्मी को कहूंगी ऐसी का ना, लेकिन ये दोनों जरिश की भी ऐसी किशमिश की तरह होती है। नहीं लेकिन जरिक को तो उसने पाउडर में डाला था। चलो मैं डाल देता हूँ। आप डाल ले, कोई बात नहीं। जो किशमिश है ना, अगर हो सकते तो डाल ले, नहीं हो सकते लेकिन ये जो किशमिश, ये पहले तीन चीजें ग्राइंड होने वाली, ये करके ना फिर वो डाल दूंगा, बस सही कुछ, कुछ मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, और जो किशमिश है ना, तो वो बता रहा था कि देसी किशमिश, देसी होगी, देसी किशमिश, ठीक है। ये अच्छा सा नुस्खा बना दे, मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो भी बना लूँगी। ये है पंसारी की शॉप है, और जब से इनकी शॉप यहाँ इन हुई है, मैं तब से इनके पास आती जाती। मैं पंसारी की दुकान से अब निकल आई हूँ। यहाँ पर मैंने ख़रीदारी की 2700 रुपये की, इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें खरीदे और अपनी पसंद की एक चीज़ खरीदी पतासे, मुझे पतासे बड़े पसंद है। अब सामने वाले में जाऊंगी, मैंने अम्मी के लिए कुछ खुश्क फ्रूट ख़रीदे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा सा डब्बा लेती हूँ ताकि उसमें डाल लें। असल में अम्मी में खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस वजह से अभी मैं चाहती हूँ, अम्मी ऑर्गेनिक चीज़ें खाती नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनिक में जैसे कि शलजम और ये फलाना फलाना पालक शालक मतलब जितनी, तो वो खाती नहीं है। तो अभी मैंने उसके लिए मैं कुछ टेबलेट भी लिए हैं, और खुश मेवाजात में मैंने उसके लिए डिफरेंट चीज़ें खरीदी हैं, जो कि आयरन बनाती है, जो कि खून बनाती है। तो एक नुस्खा भी मैंने उसके लिए अम्मी के लिए खून का बनाया, वो नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग भी यूज़ करें। अभी यहाँ से मैं अम्मी के लिए एक डब्बा सा लेने, जिसमें मैंने उसके लिए ये खुश्क चीज़ें डालनी हैं। ये मैंने अम्मी के लिए, ये वैसे तो पानी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें अम्मी के लिए चीज़ें डालूँगी ताकि अम्मी की जो चीज़ें बिल्कुल सही सलामत रहे। एक और मैंने सच्ची में कंटेनर लेना, एक ये मैंने अम्मी के लिए दो कंटेनर ले लिए, ये सफूफ के लिए है और ये खुश्क मेवे रखने के लिए है, ताकि अम्मी को सेहत मिले। अभी चलती हूँ, अगर रास्ते में कहीं 150-150 के मिल गए तो ले लूँगी, क्योंकि मैंने फिर कल 5 PWD वाले से लाने हैं ना, जो कि मेरा परमानेंट है जहाँ से मैं लाती हूँ। लेकिन अगर अभी थोड़े से मिले ठीक है, नहीं तो फिर घर के लिए कुछ ना कुछ मवाद पड़ा हुआ है। अब ये जो खातून है ना, जो मुझे कहती है कि बाजी मदद ही कर दें, ये भी उधर गई थी, इसने अच्छी खासी ख़रीदारी की, मैं डर डर कर ले रही थी, और इसने दिल खोल कर ख़रीदारी की, और बाहर निकली तो मुझे कहती है मदद ही करें, भाई तुम तो मेरी मदद करो कि मैं डर डर कर खरीद रही थी। पंजे नहीं मिले, कहते पंजे नहीं है, चलो आज के लिए घर के गुजारा हो जाएगा, आज के लिए है, और कल इंशाल्लाह अभी घर जाऊंगी तो फिर बिशारत को कॉल करूंगी, फिर उसके बाद
वो फिर मेरे लिए रख लेगा, फिर कल जब कल अम्मी का आंखों का डॉक्टर का टाइम है ना, तो जो पर्दे का था तो वो शफा वाला में, तो कल उसका फिर टाइम है, फिर कल उसके पास लेके जाऊंगी, फिर जब वापसी पर आऊँ तो साथ में पंजे वगैरह उठा लूँगी। मौसम अभी भी बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल काले काले बादल है, हवा भी मज़े की है, लेकिन बारिश रुक चुकी है। मौसम अचानक गर्मी से बिल्कुल ये जी बड़े मज़े की कड़ी है, ये हमारे साथ वाले में कोई किराएदार आए हैं उनका है, मैंने वैसे पूछना कि ये उसको कितने में पड़ी है, बड़े मज़े की है। पहाड़ों पे अच्छी खासी ना दरस दुरुस्त की दौड़ेगी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कह दिया कि नज़र ना लगे। खैर वैसे मेरी नज़र लगती नहीं है, लेकिन चलो फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। आज कुत्तों की अच्छी खासी भरमार है, जबकि आज मैं पंजे लाई नहीं हूँ, अभी देखती हूँ कि क्या करूँ इनके लिए, फिर जाके पंजे लाना पड़ेंगे अगर इनका ये हाल रहा तो। ये मेरा घर, मैं घर आ चुकी हूँ, मैं देखती हूँ कि मैंने कितना वॉक किया, कितना मेरा वॉक हुआ, कितना किलोमीटर और कितना, ये मेरे इस मोबाइल में टेलीफोन किसके आए थे, दो कलसुम और शाहिद के। अच्छा अभी इस तरह करती हूँ कि पहले मैं ज़रा देखूँ मेरे आज के वॉक कितना हुआ। यार क्या मुसीबत है, ये 3.6 किलोमीटर मैंने वॉक किया, 4,828 स्टेप, 222 के